जबलपुर शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो बसों की सांसें अब उखड़ने लगी हैं। करीब 11 सालों से वाजिब किराए में लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही मेट्रो बसें धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होती जा रही हैं। ये बसें उम्र दराज होने के साथ ही रखरखाव के अभाव के कारण खटारा हो रही हैं। शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए शहर को बड़ी और छोटी मिलाकर 119 मेट्रो बसें मिली थी, लेकिन मौजूदा हालात ये हैं कि उनमें से एक दर्जन से ज्यादा बसें पहले ही खराब होकर डिपो में खड़ी हो गई हैं। वहीं बाकी बसों की हालत भी लगातार बद से बदतर हो रही है। शहर में चल रही करीब 90 बसों में से अधिकांश सड़कों पर दम भर भर कर चल रही हैं, और बड़ी बसों के हाल ये हैं कि वो रास्ते में ही हांफने लगती हैं। ये सवारी भरी बसें कब कहां खड़ी हो जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि धीरे धीरे अब बड़ी बसों को चलन से बाहर किया जा रहा है। अब शहर की सार्वजनिक परिवहन सेवा का दारोमदार 1-2 बड़ी मेट्रो के साथ छोटी बसों पर ही है। हालांकि आने वाले 1-2 सालों में ये बसें भी अपनी उम्र पूरी कर चलन से बाहर हो जाएंगी। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन में जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 150 बसें जबलपुर नगर निगम को मिली थी, पूरे मध्य प्रदेश को मिली थी जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत। लेकिन उसमें शर्त ये थी कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से मेंटेनेंस कराना था, जबकि नगर निगम मेंटेनेंस कराने के बजाय ठेकेदारों के हाथ में खेलता रहा, और निगम के अधिकारियों ने अपने आप को पूंजीपति बना लिया और व्यापारियों ने अपने आप को पूंजीपति बना लिया। लेकिन जो नगर निगम को जो बसें मिली थी आम जनता के हित में, वो आज कबाड़ की स्थिति है। उनको पैसा कमाने का मौका ठेकेदारों को दिया गया, कॉन्ट्रैक्टर्स को, लेकिन मेंटेनेंस का काम नहीं कराएगा, जिसका परिणाम ये कि आज मैक्सिमम बसें कबाड़ की स्थिति में है, चलने लायक नहीं है या दुर्घटना होने के कगार पे है। और अब जो नई 11 बसें आ रही है, मेरा मानना है उसमें इस तरह की शर्तें लगाना चाहिए। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन JNNURM के तहत साल 2010-11 में शहर को 119 मेट्रो बसों की सौगात मिली थी। इस योजना के तहत करीब 23 करोड़ रुपए खर्च कर 119 मेट्रो बसें खरीदी गई थी। नगर निगम की जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के अधीन निजी ऑपरेटर इन बसों का संचालन कर रहे हैं। भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत 200 जबलपुर शहर में 200 सिटी बस संचालन का योजना है, और उसमें अभी 11 बसें जबलपुर को अभी मिल चुकी हैं, और प्रति माह ये 20 से 25 की संख्या में अभी आने वाले 8-9 महीने में आती रहेंगी। और वर्तमान में लगभग अभी 116 बस पुरानी है जो 2010 या 13 में आई थी, और उसमें से लगभग 60-65 बसों का संचालन हो रहा है। कोविड के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्दी से बसों की संख्या मिल जाए और यात्रियों को अधिक से अधिक हम सुविधा दें। बसों की इस हालत को ध्यान में रखते हुए अब 200 नई बसें लाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिनमें से कुछ बसों को लाया भी जा चुका है, लेकिन अभी उनका शुभारंभ नहीं किया गया है। अब देखना ये होगा कि जो हाल पहली वाली मेट्रो बसों का हुआ, क्या वही हाल अब इन नई मेट्रो बसों का भी होने वाला है।